ने बहुत बड़े पैमाने पर मदद की। मैं पैसों का डिक्लेरेशन यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन आप मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ चीजों की सीमा ही है, कुछ चीजें मैं कही गई है या आपने वो नहीं कही है। सीमेंट ने बहुत ही बड़े पैमाने पर काम किया और शुरू में सुप्रीम इंडस्ट्रीज सर, ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं शहर की जो जानी मानी है, लेकिन बड़ी दिल खोल कर यानी सिर्फ इतना ही पता चला कि रेडक्रॉस का और सब सोसाइटी इस तरीके के काम हो रहे हैं, वे खूबी इन्होंने बड़ी फिगर्स के साथ में बहुत सारे अमाउंट यहां पर सबमिट करे। सूरज भवन योगश्री साई वेयरहाउस प्राइवेट लिमिटेड, जब हमारे पास में कोविड सेंटर हमने शुरू किया वहां पे हमें ऑक्सीजन और पाइपलाइन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी और उस समय पे हमें इन्होंने बहुत ही बड़ी मदद करी थी, उस समय की ऐसी मदद की जिसकी वजह से कई लोगों की जाने बची है। पीएनए इंफ्रास्ट्रक्चर भुसावल नई तारा पापना जी अंसर सुनी हो, मैं पापना जी के बारे में इतना ही कहूंगा साहब की हर समय यानी एक ही फेज नहीं, एक खाली जो कम्युनिटी किचन था या फूड पैकेट थे उसके लिए नहीं, ऑक्सीजन का काम हो, उसके बाद में वैक्सीनेशन का काम हो, उसके बाद में हमारे प्लाज्मा का काम हो या उसके बाद में हमारा किसी भी तरीके का काम, फाइनेंशियली तरीके से जो भी मदद करती थी नई तारा पापना ट्रस्ट और पूरे आर्थिक पापना ट्रस्ट की ओर से हमें बड़ी मदद की जाती थी। गुजरात पेंट्स हबीब भाई साहब, ये एक ऐसा शख्स है कि जो एक बार हमारे सेंटर पे आपने विजिट करी और हमारा कम्युनिटी सेंटर देखा, वहां ये खुद आकर इन्होंने अपने तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने मदद डिक्लेयर कर दी और ये कहा कि इसकी आगे भी अगर आपको कोई मदद लगती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। और यकीन है मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग वहां पे बार बार आते थे उन सभी ने मिलकर अपने तरीके से बहुत सारी मदद की। गुजरात पेंट्स हमीद मेमन, मैं इन सबका डिस्क्रिप्शन इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि लोग कैसे भावुक हो जाते हैं और लोग कैसे इमोशनली उस चीज को देखते हैं और उस तरीके से अपने अवार्ड्स को अपने तरीके से उसकी मदद करते हैं। एसके ऑयल इंडस्ट्रीज विनोद हो साहब, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद अपना एक ऑयल बनाते हैं और सर मैं आपको बताते चलू मित्र सर कि ऑयल जब हमें कम्युनिटी किचन के टाइम लगता था तो कभी 11 डब्बे कभी 21 डब्बे और जो चाहे जितने पैसे वो खाली फोन कर देते थे और हमारे पास में वहां पर ऑयल पहुंच जाता था। एसके ऑयल मिल की ओर से श्री जगदीश फलोड़ जी आइए। हमारे कम्युनिटी किचन के टाइम पे हमें जितनी भी अनाज से संबंधित और जितनी भी और चीजों से मदद लगती थी वो हम जगदीश जी को फोन किया करते थे और जगदीश जी फलोड़ वे हम अपने तरीके से वहां पहुंचा दिया करते थे। सर ओसवाल शुभ शांति स्थान साहब, जो हमारा कम्युनिटी किचन मैं सभी से और ओसवाल मंगल कार्यालय की जितने भी जो भी राष्ट्रीय एवं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं इस मंच पे आ जाए, सभी आ जाए आ जाए। कम्युनिटी किचन जहां आपने सबसे पहले हमने फूड पैकेट शुरू किया तब शहर की ऐसी हालत थी कि खाने की सभी जितने भी मजदूर और जो बेचारे रोजगार वाले लोग थे उनकी खाने की तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। तब ऑनरेबल कलेक्टर सर ने पहले कहा कि हमें कम्युनिटी किचन शुरू करना पड़ेगा, रोज के 5,000 से ज्यादा पैकेट जो सुबह और दोपहर और रात में बनाए जाते थे और वो सेंटर हमारा शुरू करने के लिए ओसवाल संघ ने ओसवाल मंगल कार्यालय और उनके पूरे लोगों ने अपनी ओर से मदद भी की और अपना पूरा हॉल और पूरा मंगल कार्यालय हमें 2 से लगभग 6 महीने के लिए हमें दे दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ओसवाल संघ के प्लीज सर आइए। अनिल भाई पांप्रिया,
नवजीवन सुपर शॉप, नवजीवन सुपर शॉप ने हमें हमने बहुत ज्यादा मदद करी। यानी हमें जब कभी भी हमने जो फूड पैकेट्स के बाद में हमने कुछ ग्रोसरी के किट्स बांटे थे सर, ग्रोसरी के किट बांटे थे, वो सारे किट का प्रिपरेशन और गरीब तक पहुंचाने का काम अनिल भी काम करने किया था। चक्रधर कॉन्ट्रैक्टर, चक्रधर कॉन्ट्रैक्टर्स वो नहीं, आरसी वार्ता फाउंडेशन ट्रस्ट, आरसी वार्ता फाउंडेशन ट्रस्ट, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं कि अलग अलग ट्रस्ट और अलग अलग इसमें बापना ने, बापना जी ने हमें बहुत सारी मदद करी है और हर एक ट्रस्ट में आपने बहुत सारे चीजों से हमें नवाजा है। संदीप जी कामरा स्वांस केमिकल, ऑक्सीजन पाइपलाइन के टाइम पे हमें बहुत सारी मदद और भी चीजों की थी, तो संदीप जी कामरा और उनकी कंपनी ने हमें बहुत बड़ी मदद की थी। योगेश हाबिया, योगेश भी खाबिया सब, ये एक ऐसा शख्स है जब हमें ऑक्सीजन के टाइम पे हमें, यानी जैसे हमने आपको पहले बताया कि 40 लाख रुपए के ड्यूरा सिलेंडर्स, ड्यूरा सिलेंडर्स के बारे में संक्षेप में बता देता हूं, एक बड़ा सिलेंडर होता है जिसमें 35 ऑक्सीजन के टैंक एक जगह बैठ जाते हैं, तब ऑक्सीजन बहुत बेस्ट होता था, 15-25% ऑक्सीजन बेस्ट होता था, तब कलेक्टर सर ने, ऑनरेबल अभिजीत राव सर ने वो एक कंसेप्ट ड्यूरा सिलेंडर का निकाला और कहा कि हमें ड्यूरा सिलेंडर लेना है। आप यकीन माने या ना माने, इस ड्यूरा सिलेंडर की वजह से हमने कहीं 100 जाने बचाई। उसका कारण ये था कि सेकेंड फेज में ऑक्सीजन की कमतरता थी और हमारे पास में ड्यूरा सिलेंडर थे और कहीं जगह पर ड्यूरा सिलेंडर से लेकर फाइनेंशियल मदद में हमें योगेश के खाबे ने बड़े पैमाने में मदद की। एक बार जोरदार तालियां। आइए इसके बारे में गरीब भाई सारा है, बिट्टू भाई सारा, इकरा, आइए इकरा कॉलेज और इकरा हॉस्पिटल, हमने जो सबसे पहला हमारा सेंटर शुरू किया था इकरा का, इकरा में आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी सर कि हमारा हमारा इकरा इकरा का जो कोविड सेंटर था, खाली एक जांच वहां गई और उसके अलावा सभी के सभी पेशेंट वहां से अच्छे हुए। यानी रिकॉर्ड ये रहा सर कि ऑनरेबल कलेक्टर सर डीसी में जब ये सब चीजें बताते थे तो इतना बढ़िया सेंटर, इतना अच्छा सेंटर और इतनी अच्छी सुविधाएं वहां पे इकरा के दी गई और इकरा ने हमें बहुत सारी मदद की और फाइनेंशियली भी हमारे कोविड पाइपलाइन के लिए भी हमें करेंगे सारा और बिटवी सारा है उनके पास की ओर से बहुत सारी मदद की। पेशेंट्स हमें हमारे वहां पे दुरुस्त हुए। इसके बाद में अब्दुल मजीद चकेरिया फाइनेंशियली, यानी मेरे डैडी है, हमारे ट्रस्ट की ओर से हमने जितने भी अलग अलग काम हुए हैं उन सब पे अपनी ओर से सबसे पहले मदद करते थे। मैं आपको पहले बताते चलूं कि रेडक्रॉस के जितने भी डायरेक्टर्स हैं ये सबसे पहले अपनी ओर से पैसे जमा करते हैं और काम की शुरुआत करते हैं। उस समय पे कोविड के ऑक्सीजन के टाइम पे और फूड हमारा जो फूड पैकेट्स के जितने काम थे उसके समय पे भी हमारे ट्रस्ट की ओर से खास करके मदद हमारे डैडी ने उस समय पे की। थैंक यू सर। आइए इसके बाद सुहास कुमार जी आनंद रंजी बैठा, कमल भाई दुर्गाचंद परिवार, ओम प्रकाश जी केसवानी, आइए आइए सर। ये कैसे बुजुर्ग है, खुद होके फोन किया और हम मुझे पूछा कि गरीबी कहां क्या चीज की जरूरत है और मैंने खाली उन्हें बताया कि ओपरा जी हमें ऐसी ऐसी चीज की जरूरत है। उसी समय आपने चेक भेज दिया और चेक भेजने के बाद भी ये कहा कि इससे मत रुकना, आपको और जो मदद लगे मुझे फोन करना क्योंकि आपके रेडक्रॉस के काम में नजदीक से देखता हूं, मेरी इच्छा है मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ। ये हमारे ओम प्रकाश जी केसवानी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा
डबल साकला अर्बन कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सुभाष जी और अनिल को यस अनिल को और उनके बदले आप ही आ जाइए। सागरवन साफला ट्रस्ट ने सर हमें बहुत बड़े पैमाने पर मदद की थी, यानी कम्युनिटी किचन में सबसे पहले अगर किसी ने फाइनेंशियली मदद शुरुआत करी थी तो सागरवन ट्रस्ट ने उनके पूरे परिवार ने की थी, और उसके बाद में भी वैक्सीनेशन उसके बाद में हमारा जो ऑक्सीजन का भी काम लगा उसमें भी आपने मदद करी। आइए कस्तूरकर जी पार्टनर परिवार